नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। देखो, राजस्थान में जो भी नागरिक है उनके लिए काफी अच्छी खबर ये निकल के आई है, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री श्री बजरंगलाल शर्मा जी के द्वारा बहुत ही बड़ा बयान है वो दिया गया और काफी बड़ी अपडेट है वो की गई। अब देखो, राजस्थान के नागरिकों के लिए अच्छी योजना है वो शुरू की गई है। योजनाओं से लेके शिक्षा तक आपके इसमें बड़ी अपडेट है वो जारी की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगर देखो, अगर आप इसमें अपना आवेदन करते हैं या कोई भी योजनाएं होती है उसमें लाभ लेते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में जो भी योजनाएं हैं और जो भी शिक्षक है जो आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी भर्तियां वगैरह आती है राजस्थान में, उनकी ये भी काफी बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा जी के द्वारा काफी बड़ी घोषणा की गई है और इस घोषणा के बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ, कौन कौन सी घोषणा की गई है और क्या अपडेट की गई है। देखो, वीडियो को पूरा देखा करो, जो भी जानकारी होती है आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर मिलती है। तो वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, आपको मैं सारी जानकारी इसमें बताता हूँ। आ चुके हैं आप स्क्रीन के ऊपर, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा काफी बड़ी अपडेट है वो जारी की गई है। अब राजस्थान में जो भी भर्तियाँ जारी की जाती है RPSC के द्वारा, जो भी स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और RPSC के द्वारा जो भी भर्तियाँ जारी की जाती है राजस्थान में, तो उनके द्वारा फॉर्म भरने के लिए आपको महत्वपूर्ण जो सूचना है वो जारी की गई, यानी काफ़ी बड़ी अपडेट की घोषणा की गई है। तो देखो क्या है अपडेट, जो अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग है उस बोर्ड ने भर्तियों के लिए की जाने वाले ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों के लिए, अब देखो अनुभवी भी अपलोड करना होगा, आपको जो अनुभव है वो भी अपलोड करना होगा और इसके साथ में आवेदन को मंजूर नहीं होगी, मंजूरी वो नहीं दी जाएगी। इस समय तो आयोग ने कुछ नए बदलाव किए गए हैं ऑनलाइन आवेदन में किए गए हैं, ऐसे दैनिक कैंडिडेट आवेदनों को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास वो किया जा रहा है। आर्मी भर्तियों जो भी भर्तियां उनके लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के साथ ये बदलाव भी लागू हो जाएगा। आयोग सचिव ने बताया है कि आवेदन की तिथि तक अर्जित अनुभव की ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा और आवेदन पत्र भरने के पूर्व विद्यार्थी को अपना आधार कार्ड से दर्ज जो भी नाम है, पिता का नाम है, जन्म दिनांक आपके लिंक है, वो जाँच परख के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त कर लें। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन कर अपने आधार कार्ड में फ़ोटो है वो अपडेट कर लें, ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड आपने अपडेट नहीं करवाया है, तो आधार कार्ड भी अपडेट करवा लेना। देखो, आधार कार्ड में अगर आपकी पुरानी फ़ोटो है तो आप RPSC के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे, अगर आपका फॉर्म भर भी गया तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम को मैं आपको बैठने नहीं देंगे। तो आपको ये बात है जरूर याद रखनी है, आपको आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है, 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी हाल ही में अपडेट करवाया है अपनी फ़ोटो साल भर या 5 महीने पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जो आधार कार्ड है वो पहले से ही बना हुआ है और आपने अपडेट नहीं करवाया है तो अपडेट करवा लेना। देखो, फ़ोटो पर तारीख होगी, ये भी अपडेट किया गया है RPSC के द्वारा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन अवधि के दौरान न्यूनतम फ़ोटो जिस पर दिनांक बिल लिखी हुई होनी चाहिए, आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित प्रवेश पत्र के साथ लानी होगी, अन्य फ़ोटो मान्य नहीं होगी। जो आप फॉर्म भरेंगे वही फ़ोटो आपको वहां पे ले जानी है, जो आपका प्रवेश होगा एग्ज़ाम लगेगा उस सेंटर पे। अगर आप अदर फ़ोटो वहां पे लेके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। फ़ोटो के ऊपर आपकी दिनांक भी होनी चाहिए, फ़ोटो जो आपकी खींची हुई फ़ोटो उसके ऊपर। अब देखो, किसी फ़ोटो का काउंसलिंग या समय विस्त आवेदन पत्र है वो भी उपयोग की है वो आपको करना होगा। ये अपडेट की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखो और क्या अपडेट आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग से। एक और अपडेट निकल के आई जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा का फैसला, कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों की हो सकती है भर्ती। मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विभागों को वाहन चालकों के पदनाम का 1 रुपये शोगान। शैक्षणिक योग्यता सेवा नियमों में संशोधन संबंधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। वाहन चालक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 8वीं से जो भी अपग्रेड की योग्यता सीनियर जो सेकेंडरी समकक्ष की जाने किया गया है। नियमित चालकों की जो भर्ती वो की जाएगी और टेस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिखित परीक्षा एवं ट्रेड टेस्ट का होगा। आयोजन जो भी है पारदर्शी भर्ती है, जो भी आपकी कुशल वाहन चालकों का चयन है वो किया जाएगा। तो वाहन चालकों के लिए भर्ती निकल के आएगी राजस्थान में, ये भी घोषणा की गई है RPSC को मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा ने। आगे बात करते हैं, देखो महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ी घोषणा की गई है, काफ़ी बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है मुख्यमंत्री
महिला शक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला वो लिया गया है। देखो जयपुर 14 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसका क्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में की गई एक महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया। भजनलाल शर्मा की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा का प्रस्ताव 30% से बढ़ाकर 50% वो कर दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक अवसर मिलेंगे और आत्मनिर्भर होकर महिलाएं सक्त वो बन सकेगी। तो ये घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। महिलाओं को जो भी रिट एग्जाम टीचर भर्ती है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की छूट वो दी जाएगी। आगे बात करते हैं। देखो खाद्य सुरक्षा से लेकर एक और अपडेट निकल के आई है राजस्थान में। अब खाद्य सुरक्षा से क्या अपडेट निकल के आई है? देखो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड से गेहूं प्राप्त करने वाले सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना अपडेट है वो जारी की गई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने जिनको राशन कार्ड से गेहूं जो वितरित किए जाते हैं उन सभी को राशन कार्ड या आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। देखो लिंक कराने की समय सीमा है वो 3 महीने बढ़ा दी गई है। पहले 30 जून कर दी गई थी, उसे 3 महीने बढ़ा दिया गया। 30 जून से आगे राशन कार्ड से अपना लिंक करवाने के लिए आपकी जो डेट है वो 30 सितंबर 2024 तक कर दी गई है। उपभोक्ताओं को राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए मौका दिया गया। अगर आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो मिलने वाले आपको खाद्य सुरक्षा से राशन जो है वो बंद हो जाएंगे। तो आपको अपना आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है और आपके फिंगरप्रिंट लगवा लेने हैं जो भी अगर आपने नहीं लगवाया है। आगे बात करते हैं टैबलेट की। अब देखो टैबलेट की योजना ये भी शुरू की गई राजस्थान में। टैबलेट दी जाएंगे 8वीं 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को। अब देखो राजस्थान फ्री टैबलेट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता हटाने के बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट वो दी जाएंगे। ये टैबलेट 2021-22 और 22-23 के 55,727 मेगावी जो विद्यार्थी उनको वितरित की जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के तहत मेगावी जो भी स्टूडेंट है जिन्हें शिक्षा सत्र 2021-22 और 22-23 के तहत 8वीं कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75% से अंक प्राप्त किए हैं उन सभी स्टूडेंटों को टैबलेट वो दी जाएगा। ये टैबलेट राजस्थान के जिलोवार सूची तैयार कर वेरिफिकेशन होने के बाद दी जाएंगे। अब देखो ये टैबलेट है राजस्थान में जो अलग अलग जिले हैं उसके अनुसार दी जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट में आएगा उन कैंडिडेटों दी जाएंगे जो 8वीं 10वीं 12वीं में। तो ये घोषणा की गई है 5 बड़ी अपडेट राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको समझ में आई, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि जो अपडेट आती है आपके पास उसका मैसेज वो पहुँच सके।